IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। 13 फेडरल एजेंसीज द्वारा मेजर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने अनदेखा करने का सोचा है। प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह ने कहा कि यह रिपोर्ट यह ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है कि अर्थ का क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लेकर कितना नाजुक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 11 दिन के एशिया ट्रिप की शुरुआत कर दी है, जो कि पिछले 25 साल में किसी भी US प्रेसिडेंट के द्वारा सबसे लंबी ट्रिप है। ट्रंप साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर काम करने का सोच रहे हैं और चाइना पर दबाव बनाने वाले हैं कि वे प्योंगयांग के खिलाफ खड़े हों। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के चेयरमैन पॉल मैनफोर्ड का ट्रायल मई 2018 से शुरू हो सकता है। मैनफोर्ड के अटॉर्नी ने कहा कि वे उनके खिलाफ के चार्जेस को लीगल बेसिस पर चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और साथ ही उन एविडेंस को भी जिन्हें सर्च वारंट और सपीना के जरिए हासिल किया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया को उकसा रहे हैं कि वह अरमाको के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए न्यू स्टॉक एक्सचेंज को चुने। अरमाको सोच रहे हैं कि वह अपने 5% शेयर्स किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर दें, लेकिन कौन से में दें वह अभी तक नहीं सोचा है। एक संदिग्ध जिसे US फोर्सेस ने 2012 में लीबिया में पकड़ा बेनगाजी अटैक में उसके योगदान के लिए, उसको बिना किसी बॉन्ड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। मुस्तफा अल इमाम पर 3 फेलोनी ऑफेंसेस के चार्ज लगाए गए हैं, जिसमें से 2 में मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के DACA प्रोग्राम को बंद करने के निर्णय के खिलाफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट ने एक लॉ सूट फाइल किया है। प्लैंटिफ्स ने दावा किया है कि गवर्नमेंट के कदम से US कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट के ड्यू प्रोसेस क्लॉज का उल्लंघन किया है, जिसमें लॉ की इक्वल प्रोडक्शन गारंटी भी शामिल है। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के डॉक्यूमेंट्स के जो नए बैच रिलीज किए गए हैं, उसमें एक सीक्रेट FBI एनालिसिस में सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नकारात्मक तरीके से दिखाया है। इस 20 पेज के डॉक्यूमेंट्स में सिविल राइट्स लीडर को अलग अलग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस करते हुए दर्शाया गया है। उन 7 में से 5वें मिरर का कास्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बन रहा है। द जाइंट मैगलिन टेलीस्कोप ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन जाइंट मिरर्स को कास्ट करने के प्रोसेस में 20 टन कांच को एक स्पिनिंग फर्नेस में मेल्ट करना शामिल है। फेसबुक ने माना है कि उनके प्लेटफॉर्म में करीब 270 मिलियन अकाउंट्स या तो फेक हैं या डुप्लीकेट हैं। इससे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच और बढ़ जाएगी, जो कि पहले से ही जांच में है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके प्लेटफॉर्म का रशियन कंटेंट बताए गए से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है। एल्मा ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ के सबसे नज़दीकी स्टार के आसपास कोल डस्ट पाई है। इस रिजल्ट से ऐसा लग रहा है कि प्रॉक्सिमा सेंटोराई मल्टीपल प्लैनेट सिस्टम में होगा और इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है, जिसकी वजह से डस्ट बेल्ट बनी है। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।